उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन को आगे बढ़ा दिया गया, लेकिन अब नई गाइडलाइंस भी यहां पर लॉकडाउन को लेकर यूपी सरकार की तरफ से जारी कर दी गई हैं। नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब डॉक्टरों को भी यहां पास लेने की जरूरत पड़ेगी, मेडिकल सेवाओं को लेकर भी पास की जरूरत रहेगी, अन्य आवश्यक सेवाओं के लिए भी जो लोग इन सेवाओं में शामिल हैं उनके लिए पास को जरूरी कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में यहाँ गाइडलाइंस नई जारी कर दी गई हैं लॉकडाउन को लेकर। चिकित्सा सेवा के लिए भी लेना होगा पास, आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति करने वाली संस्थाओं को भी लेना होगा पास, चिकित्सा सेवा के लिए भी पास की जरूरत, आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति करने वाली संस्थाओं के लिए भी पास होगा आवश्यक। लखनऊ से मेरे सहयोगी आकाश शेखर शर्मा इस खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। आकाश, जरूरत क्या पड़ी कि डॉक्टरों के लिए भी पास को लागू कर दिया गया, आवश्यक कर दिया गया, इसके अलावा जरूरी चीजों की आपूर्ति करने वाली संस्थाओं को भी अब लॉकडाउन पास लेने की जरूरत रहेगी? देखिए महेश, मैं बताना चाहूंगा कि लॉकडाउन नहीं है, इसे कोरोना कर्फ्यू का नाम दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से लोगों को भीड़ रोड पे दिखाई दे रही है, उस भीड़ को कम करने के लिए कहीं ना कहीं ये सरकार की तरफ से पहल की गई है कि उत्तर प्रदेश में जो भी लोग बाहर निकलेंगे वो पास जो सरकार उनको देगी जिला अधिकारी के कार्यालय से मिलेगा, उन सारे पासों को लेकर के वो निकलेंगे। मतलब साफ है कि भीड़ कम करने के लिए और रोड को जो है ज्यादा जो चालू ना रहे रोड, उन सारी चीजों को लेकर के पास की आवश्यकता पड़ेगी। इसी पास को लेकर के जो है बैठक की गई थी और उसमें ये निर्णय किया गया था। जी चलिए आकाश, सब पूरी जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।